फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं आपका प्लास्टर के बारे में, और उसके साथ साथ जो है हम आपके एक साइट विजिट भी कराएंगे कि आपका एक 250 गज का प्लॉट है, ठीक, वो फ्लैट बनना है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। ये आपका 3 BHK है और 250 गज का प्लॉट जो है उसमें आपका क्या है कि 2 पार्टीशन है, यानी 125-25 गज का आपका जो है फ्लैट बना है, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे और प्लास्टर के बारे में भी दिखाएंगे, प्लास्टर वर्क के बारे में कि आपके प्लास्टर के कैसे चेक करते हैं, क्या क्या होना चाहिए और क्या करें जिससे प्लास्टर हमारा सही हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो लेके जाते हैं साइट पे आपको, अभी हम साइट पे ही हैं, विजिट कराते हैं आपको सही तरीके से। ओके, प्लास्टर में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि जिस जहाँ हमारी POP होनी है तो ये प्लास्टर करने के बाद जो है आपका झाड़ू मार देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो POP होती है वो पकड़ में आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि प्लास्टर हमेशा जो होता है ये कॉर्नर, ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको कच बोलते हैं, ये कच हमेशा सही होना चाहिए। सही का मतलब कि दोनों तरफ से जब गुटका आप मारते हैं तो ऐसे गुटका मारें और ऐसे गुटका मार के एकदम कच को पूरा जो है ओके करें। जैसे देखिए आप, ये कच, ये आपका कच है, ठीक, ये आपका एकदम बिल्कुल ही ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि इधर से मार दें आप और इधर मसाला चढ़ाओ, ठीक है, तो वो बेकार दिखता है, ठीक है। ये हमारा प्लॉट जो है 250 गज का है, ये नीचे आपका जो काटते हैं ये आपका 6 इंची काटते हैं, ठीक। ये क्यों काटते हैं, अगर पहली चीज़ की 1.5 इंची तो आपका वो होता है कच्ची रूढ़ी हो जाती है, उसके बाद से आपका पत्थर लगता है या टाइल लगता है नीचे फर्श पे, फ्लोर टाइल, और उसके बाद से जो ऊपर जो होता है वर्टिकल शेप में लगता है आपका स्कार्टरिंग, जिसको स्कार्टिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लास्टर जो करते हैं तो पूरा नीचे फर्श तक नहीं करते हैं, हम थोड़ा ऊपर ही करते हैं, 6 इंची ऊपर तक, ठीक है। कभी हम प्लास्टर करें तो इसको आपका जो होता है फंटी से काट देना चाहिए, ऐसे सीधी में काटना चाहिए, ये नहीं कि आप करने से काट के और तिरछा कर दो, देखने में भी भद्दा लगता है और बाद में काफ़ी दिक्कत होता है रिपेयरिंग करने में भी, ठीक। देखिए जैसे कि ये हमारा प्लॉट है 250 गज का, तो इसमें 2 फ्लोर है, ये आपका बीच में स्टेयर है, ये लिफ्ट है, ठीक, एक फ्लैट उधर है हमारा, एक फ्लैट इधर है, ठीक है। तो उधर वाले फ्लैट में आपको दिखाते हैं कि ये हमारा 3 BHK है, 3 BHK का मतलब होता है 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर 1 बेडरूम ये रहा, वहाँ देखिए 1 बेडरूम ये रहा और 2 बेडरूम ये रहा, ठीक है, ये 1 हॉल हो गया, ये आप देख रहे हैं हॉल और ये सामने वाला किचन है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पर अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है, ठीक, अटैच आपका बाथरूम भी है, जैसे कि देखिए ये रहा, ये आपका बेडरूम हो गया, इसके साथ ये अटैच बाथरूम है सामने जो दिख रहा है, ठीक है। ये होता है मास्टर रूम, इसको हम मास्टर रूम बोलते हैं, ये आपका केवल बेडरूम है, ये अंदर आपका सापट है, सापट दिख नहीं रहा होगा आपको, उजाले में दिखाते हैं। सापट का मेन पर्पज़ जो होता है उससे एयर पास होता है, ठीक है, कमरे की जो एयर होता है बाथरूम का जो एयर होता है वो पास करके बाहर भेजता है, ठीक है। और पाइपलाइन भी जो होती है जैसे कि AC की पाइप हो गई या फिर प्लम्बर की मोटी जो 6 इंच की 4 इंच की पाइप लगती है उसके लिए सापट होता है, ठीक।
कभी भी मसाला यूज करना, जैसे कि आप प्लास्टर का मसाला बना रहे हैं तो बिना छना हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे कि आपका जो डस्ट होता है, रेता होता है, उसमें मिट्टी काफ़ी होती है। अगर आप बिना छना हुआ उसको इस्तेमाल करेंगे उसमें मिट्टी रहेगा। अगर वो मिट्टी के साथ आप प्लास्टर कर देंगे, जब उसकी क्यूरिंग करेंगे, तराई करेंगे, तो झड़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मिट्टी तो गलेगी ही गलेगी। इसलिए कभी भी आप प्लास्टर करें तो बिना मसाला छने हुए ना करें, ठीक। उसके बाद छन्ना का इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद से मसाला छानने के बाद ही आप जो है अपने काम स्टार्ट करें, या अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट अपना काम करवाए, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, प्लास्टर करने से पहले कभी भी से प्लास्टर आपको सुबह करना है, जिस कमरे का या जिस प्लेस पे आपको प्लास्टर करना है उसमें ध्यान देना चाहिए।